हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुन ट्यूब। और आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मिनी एलईडी प्रोजेक्टर। और इसका जो प्राइस है बहुत ही लो प्राइस पे आपको आते हैं, आपका 3000 के अंदर ये पड़ जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसको मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और देखता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स का पैकेजिंग कुछ ऐसा ही यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर ब्राइट एलईडी टेक्नोलॉजी 20K आवर्स तक यहाँ पे लिखा है और उसके साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अप टू 60 इंच यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे कॉन्वीनियंट इनपुट सपोर्ट, यहाँ पे ऑडियो वीडियो यूएसबी एंड एचडी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एलईडी प्रोजेक्टर, एलईडी इमेज सिस्टम, परफेक्ट फॉर डीवीडीज पिक्चर्स एंड मोर। और यहाँ पे डी कियान का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्टर का इमेज है। और यहाँ पे बॉक्स का साइड में यहाँ पे आपको टोटली यहाँ पे क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, डीवीडी प्लेयर कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कनेक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कॉन्वीनियंट इनपुट सपोर्ट क्या क्या है वो आपको यहाँ पे दिया है, परफेक्ट प्लेलिस्ट और पिक्चर, बिल्ट इन स्पीकर है, मैनुअल फोकस लेंस फॉर क्लियर क्रिस्प पिक्चर और ट्राइपॉड रेडी, यहाँ पे ट्राइपॉड पे आप इसको माउंट कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका प्रोजेक्टर का क्या क्या फंक्शन है वो सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आपको 320x240 रेजोल्यूशन विद एडजस्टेबल फोकस लेंस आपको यहाँ पे दिया है। और उसके साथ यहाँ पे आपको डुअल वोल्टेज पावर सप्लाई है, मतलब यहाँ पे आप बैटरी और मतलब आपका जो पावर बैंक होते हैं वहाँ से आप इसको पावर दे सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं एडाप्टर यूज करने के लिए तो एडाप्टर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट जैक, आपको हेडफोन क्या स्पीकर आप लगा सकते हैं। और पावरफुल देखिए यहाँ पे लिखा है 20K आवर्स एलईडी लैंप, यहाँ पे नेवर नीड्स रिप्लेसमेंट कोई जरूरत नहीं है। और इसका जो लूमेंस है फ्रेंड्स, आपका 48 लूमेंस है फॉर ब्रिलियंट आपका सपोर्ट, मतलब ब्रिलियंट पिक्चर, जितना ब्राइटनेस होगा उतना ही अच्छा प्रोजेक्टर काम करेगा। और बॉक्स के अंदर अभी क्या क्या है मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, तो बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। बॉक्स का पैकेजिंग बहुत ही अच्छा यहाँ पे आया है, फोम का पैकेजिंग है और यहाँ पे प्रोजेक्टर पे कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है प्रोजेक्टर ब्रोक होने का। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पैकेजिंग है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एकदम फोम का पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, प्रोटेक्टेड है एकदम पूरा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाती है, यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल गाइड आपको मिल जाते हैं जो चाइनीज और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में है। तो आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्टर के बारे में, तो आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके साथ आपको यहाँ पे एक ऑडियो वीडियो जैक आपको दिया है, ऑडियो वीडियो आउटपुट जैक जो होते हैं, एवी जैक होते हैं, वो आपको दिया है। तो अगर आप डीवीडी के साथ लगाना चाहते हैं तो इसको यूज करके आप इसको लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल आपको दिया है, तो रिमोट बहुत ही अच्छा है, देखने में छोटा है और बहुत ही अच्छा फंक्शनल है। और यहाँ पे मैं इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या बैटरी लगेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो AAA बैटरी की ज़रूरत होगा, तो यहाँ पे दो AAA बैटरी आपको लगाने का ज़रूरत होगा रिमोट को फंक्शनल करने के लिए, तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ आपको यहाँ पे एक एडाप्टर आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एडाप्टर का डिटेल्स मैं आपको थोड़ा बहुत जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है 12V 1A का इसका आउटपुट है और ये मेड इन चाइना का है। तो एडाप्टर आप यूज कर सकते हैं और अगर आप पावर बैंक यूज करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू। और फ्रेंड्स, अभी आता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्टर के बारे में। तो प्रोजेक्टर का जो पैकेजिंग है, मैं पहले ही बोला था कि इसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही परफेक्ट है। और यहाँ पे यूनिक यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे देखिए बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारा बटन्स यहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका पावर बटन, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे एंटर है आपका, यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड का बटन है और उसके साथ यहाँ पे आपको इनपुट का और यहाँ पे एस्केप का बटन है, मतलब मेनू फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए इसको जरूरत होगा। और फ्रेंड्स, उसके साथ यहाँ पे आपको आईआर सेंसर दिया है, तो रिमोट को काम करने के लिए यहाँ पे आईआर सेंसर की जरूरत होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एचडीएमआई पोर्ट दिया है और वीजीए पोर्ट भी दिया है, तो आप इसको अगर कंप्यूटर से मतलब पीसी से आप चलाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड्स, उसके साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे यूएसबी एवीआई इन और एसडी कार्ड यहाँ पे स्लॉट आपको दिया है और यहाँ पे आपको स्पीकर दिया है और यहाँ पे आपका जो कूलिंग जो फैन होते हैं वो आपको यहाँ पे दिया है। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको स्पीकर शायद है ये जगह, और यहाँ पे आप अगर आप ट्राइपॉड लगाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लेंस का कैप दिया है और लेंस का कैप को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, तो लेंस देख सकते हैं, यहाँ पे लेंस को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं,
तो यहाँ पे घुमा के आप एलियंस को एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और फ्रेंड्स इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो हेडफोन है, हेडफोन लगाने का जगह है, तो यहाँ से आप हेडफोन लगा के आप सुन सकते हैं, क्या स्पीकर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी देखिए यहाँ पे नीचे जो ट्राइपॉड लगाने का जगह है, तो यहाँ पे मैं ट्राइपॉड को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पहले ट्राइपॉड का जो नीचे वाला जो हिस्सा है जो कैमरा पे माउंट होते हैं, तो माउंट को यहाँ पे पहले फिट करना होगा और उसके बाद इसको आप ट्राइपॉड पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राइपॉड में लगा दिया है, तो अभी मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो एडेप्टर है, एडेप्टर को यहाँ पे प्लग इन कर दिया है। अभी यहाँ पे पावर को लगा देता हूँ और पावर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक पेन ड्राइव पे मेरा एक वीडियो है, तो यहाँ पे मैं उस वीडियो को कॉपी किया है और पेन ड्राइव को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यूएसबी जो पोर्ट है वहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे एसडी कार्ड लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पावर को ऑन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ब्लिंक हो रहे हैं, मतलब अभी यहाँ पे पावर ऑन नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे बटन को प्रेस करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, और रिमोट का जो रेड कलर का जो बटन है, पावर बटन, उसको भी प्रेस करके आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे रिमोट का जो रेड कलर का बटन है उसको मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर ऑन हो चुका है। तो अभी यहाँ पे वॉल पे यहाँ पे माउंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे घर का लाइट, यहाँ पे रूम का जो लाइट है वो ऑन है, तो अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कैमरा में थोड़ा बहुत यहाँ पे कम यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे खुल के आएगा। और यहाँ पे मैं रूम का भी जो लाइट है वो बंद कर देता हूँ, सभी लाइट को पूरा डार्क रूम बना देता हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो क्लियरिटी है बहुत ही अच्छा आया है। जितना आपका रूम डार्क होगा उतना ही यहाँ पे क्लियरिटी बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आपका लेंस को घुमा के, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको दिया है, मूवी है, फोटो है, टेक्स्ट है और म्यूजिक है। यहाँ पे आप कोई भी आप यहाँ पे यूट्यूब वगैरह के कुछ भी आप उसका वीडियो आप यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स ये सिर्फ घर का एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप हॉल में आप कोई भी कॉन्सर्ट हॉल में आप इसको प्रोजेक्ट करने के लिए कोई भी प्रेजेंटेशन पर्पस यूज करने के लिए, तो उसके लिए ये नहीं है। ये रूम पे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपको मतलब चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसका मेनू सेक्शन थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर मोड यूजर है, कलर टेम्परेचर यूजर है, एस्पेक्ट रेशियो ऑटो है, नॉइज रिडक्शन मीडियम है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको दिया है। और यहाँ पे साउंड का है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप म्यूजिक पे जाते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया गया है, इक्वलाइजर है, सराउंड साउंड है, तो सराउंड साउंड में अभी ऑफ करके रखा है। और यहाँ पे अगर आप पिक्चर मोड यूजर जो है वहाँ पे अगर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, कलर, शार्पनेस सब कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं चेंज कर दिया है। और यहाँ पे आप बैक टू मेनू अगर करते हैं तो बैक टू मेनू पे आप फिर से जा सकते हैं। इवन फ्रेंड्स आप रिमोट से इसका वॉल्यूम को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप आपका ट्राइपॉड को हैंगिंग करके रखते हैं तो यहाँ पे आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं आपका प्रोजेक्टर का स्क्रीन को, तो वो यहाँ पे फ्लिप का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे फ्लिप को दबा के आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मूवी पे जाता हूँ और मेरा जो यहाँ पे पेन ड्राइव है वो पेन ड्राइव को यहाँ पे लगा दिया है और वहाँ पे एक मूवी है, तो यहाँ पे मैं अभी मूवी पे जाता हूँ और मूवी पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेशल है और दिवाली पे अगर आप आपके घर को सजाना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, प्ले पॉज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसे जो प्राइस यहाँ पे आते हैं, तो प्राइस यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो प्रोजेक्टर है बहुत ही अच्छा है। अगर आप रूम पे आप एंटरटेनमेंट पर्पस मूवी देखने के लिए, क्या गाना सुनने के लिए, क्या गाना म्यूजिक वीडियो देखने के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। 60 इंच मतलब बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और इसको आप यूज कर सकते हैं। एक चीज में आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खरीदने बाद अगर आपका पास ज्यादा पैसा है, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बजट आपका ज्यादा है, तो लूमेंस देख के आप प्रोजेक्टर मशीन खरीदें। अगर आप HD आप यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1200-1300 इतना अगर आप लूमेंस होगा तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो लूमेंस देख के, ब्राइटनेस लूमेंस जो होते हैं वो देख के आप यहाँ पे
आपका प्रोजेक्टर मशीन खरीदे। और फ्रेंड्स, इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं रूम का एंटरटेनमेंट पर्पस, तो इसका लिंक में मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका अमेजोन लिंक और फ्लिपकार्ट लिंक दोनों का ही मैं लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जो आपको पसंद है वो आप परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे एक नया चीज़ लेके मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।